मैं चाह नहीं रही थी। 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हैं, इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला। मैंने करुण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है, खैर अभी यू गाइस आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया है अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स, उनको देखा जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशन या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है बट इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल, इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई बीन हैविंग माई फिजिकल अफेयर विथ हर। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट, वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पर ये चीज़ गलत हुई है। कि 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा, तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ, आई डोंट गेट इन टू दोस डिटेल्स। हाँ उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट इज एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा, उसको लगा होगा कि शायद हो जाएगा यू नो हाउएवर। एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है, तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल। हिंदी में राइट तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है, मेरे साथ, करण के साथ, सबके साथ है। इट्स एक्सट्रीमली एम्बेरसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एट्सेट्रा। मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े, मैं चाह नहीं रही थी, 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं, इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला राइट। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था, एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशन या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है यू गेट इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल, इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से लड़की, कब मिले आप उसको, तो इसे वो दिल्ली से, और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपने फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू, आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या
आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइव्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है. तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है. फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला. हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है. तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है. तो उन्होंने कहा कि बेटा मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं. तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट. तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे या यू नो तो ठीक है, यू नो वील वर्क ऑन इट. मैं वापस चली जाऊँगी. और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन. मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ. हमारी बात हुई, सब हुई. लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई. उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट. वो सब करण ने कुछ नहीं किया. मैंने बहुत एफर्ट्स डाले. आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट. अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है. दूसरी चीज़, करण्स बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 ईयर्स, दिस इज़ नॉट न्यू. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफिकल्ट. मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं यू नो. ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी. तो मैंने कहा ठीक है यू नो इट्स ओके. और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century. I talk about women's rights. I talk about, you know, so many things on my social media also that supports motherhood, you know, mom shaming, या फिर अपने rights के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि it's my responsibility and domestic abuse is not okay. निशा कल रात को क्या हुआ उसके बारे में बताइए. And फिर see there are emotions involved. मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी. अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी. सो द पॉइंट बी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे एंड यू शुड नो दिस राइट. एनीवे आई विल कम टू कल क्या हुआ. कल ये हुआ कि 1 महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे, और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच नाउ और शायद हमें डिग्निफाइड वे में अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए, लेट्स डू अ सेपरेशन. तो फाइनली करण ने बोला हाँ ओके. मैंने कहा ठीक है. उन्होंने अपना लॉयर हायर किया, मेरे भी लॉयर है. मृणालिनी देशमुख इज़ माई डिवोर्स लॉयर, ऋषिकेश मुंदरगी इज़ माई क्रिमिनल लॉयर जो बहुत बाद में पिक्चर में आए. ही इज़ ऑन हियर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषिकेश. तो कल हमारी बहस हुई. इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से, 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे. उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की कि यू नो ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया. अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी. वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है. तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके. यू नो आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके. बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे. जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे, और मुझे लगता था कि नहीं
जबकि ये एक प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली फिजिकली मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी. यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था. बट एनीवे फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ. जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं, क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएँ हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज था. बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है. जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को, ठीक है. सो उसके बाद विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से. मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात. तो करण ने भी बोला, क्योंकि वो विक्की को मानते हैं, कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे. विक्की चार दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, यू नो, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है. तो करण ने बोला नहीं हो सकता है. इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है. वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, यू नो, लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ. आई डोंट टू गेट इन टू दोज डिटेल्स. तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम. सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर. इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी. तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया. एनीवे तो जब चार दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने घर उनको बोला अब मुझे आपसे बात करनी है. एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बींग बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू डन. वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है. सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही सो स्मार्ट. घर में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग. बट जिस भी कमरे में लगे, नार बेडरूम देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे ही यूज टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी. एंड ये चीज़ मैंने दो तीन दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी. सो एनीवे करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ सीसीटीवी कैमरा जब से वो आए थे. बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल. तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले. मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स. एनीवे वी वर इन द रूम, आई टोल्ड करण दिस इज नॉट हैपनिंग, यू हैव टू do something because you know it's me and the child and as actors we are inconsistent. मैंने करण को बोला जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है. खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स. करण टुक ऑल माई ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इन टू टेकिंग माई ज्वेलरी. I gave it to him because I thought he is my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. He said, you know, we are under so much financial pressure, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you. So in my, from my side, I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, we, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ alimony की बात की है, तो मैंने कहा even if we need to decide on a figure, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, right? I said, I'm not going to be unreasonable, I'm not going to get details. Going to get into the details of it, but I said we have to decide on a in a way that ye aapke upar bhi bhar na hai aur mere upar bhi bhar na hai. And Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said agar maine usko bola hai ki jab bhi hum ye ghar bechenge kavish ko bhi ek hissa de denge because humne uske paise bhi use kiye hain jo usne campaigns mein kamaye hain. जो मैंने करण को मना किया था मत करो, यू नो देयर इज अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कांट डू एनीथिंग, यू नो, एंड नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, यू नो आई एम विथ यू. फिर मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना है. तो मैंने बोला ले लो फिर, आप मेरे पास जो, मैं आपको हेल्प करूँगी, यू नो. सो ऑल माई स्त्री धन, ऑल द ज्वेलरी दैट आई गॉट, एवरी थिंग दैट आई हैव, आई गिव हिम एवरी थिंग एंड आई डिडंट बैट एन आईलिड. और उसके बाद वो ये बोल रहे इट्स अबाउट फ्रॉड. जब मैं करण सॉरी घर खरीदने के लिए, घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. ईएमआईज जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड,
मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेज करता है मेरे कैंपेन्स के, कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है। आई डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज़ इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे। तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है। बट इज एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। सो दीज आर द इमेजेस जो पहले की हैं, ये इमेजेस। और मैंने लाइक आई सेड, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है? बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू, एंड आई वाज स्टूपिड because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, ab thoda sa center mein aa jaye kyunki wo camera ya fir madam ko de dijiye. This is last night. Yahan pe dekho. Sir, niche thoda thoda idhar sab pe de diye. Dikha rahe, dikha rahe. Kya aap isko bolna chahte hain? Are madam, haath thoda niche niche rakhna udhar. Are udhar niche dekho na. Nisha, nisha. You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ है, कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो, आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगेगा, लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो, हाउएवर। एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज कि क्या हुआ है। तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल। सो आई सेड, व्हाई डू यू हेट मी सो मच? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग। देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ। देन आई डायल 100, आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड, एंड द पुलिस केम होम। एंड उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड देन आई कॉल्ड माई लॉयर बिकॉज आई डिडंट नो। Karan also revealed that you consulting psychiatrist and you are very aggressive. Yes, आप bipolar हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने। सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है bipolarity क्या होती है? Karan ने कुछ कहा, आप अब उसका question बना के मुझे पूछ रहे हो। I want to know from you and from you what is bipolarity? एक इल्जाम है। कैसे है? इल्जाम को इल्जाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है। तो आप पहले बताइए, करण का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यू वर वेरी अग्रेसिव व्हाइल डेटिंग आल्सो यू यूज्ड टू नो पोस्ट, डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल? कि उन्होंने, आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा भी कहा? सी, आई विल टेल यू व्हाट दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू से दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से हां मैंने किया है। जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कॉमेंट में मैं क्या बोलूँ? इट्स नेचुरल ही वॉज गोइंग टू से दैट। दिस इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड हूँ। मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला। यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर, एंड दैट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंग किया। आई नो ही इज सेइंग दैट, बट व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम एन एक्टर, माय फेस इज प्रेशियस, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई वुड आई डू दैट? दूसरी चीज, लेट मी टेल यू अबाउट बाइपोलैरिटी। ये जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई थी, बाइपोलैरिटी इज अ मूड डिसऑर्डर, इट हैपेंस ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रॉमा एंड इट्स जेनेटिक समटाइम्स, ओके? I was diagnosed with bipolarity. I'm not even lie about it. I'm not ashamed about it.
एंड इट इज़ नॉट अ पागल जैसे वो बोल रहा है ओके इट्स अ मूड डिसऑर्डर एंड यू ऑल नो हाउ बैलेंस्ड आई एम आई क्रिएट कॉन्टेंट आई राइट अबाउट थिंग्स आई टॉक अबाउट थिंग्स ठीक है आई डोंट हैव टू प्रूव दैट एंड लाइक आई सेड आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग राइट जो पहली इमेजेस मैंने आपको दिखाई दैट वॉज ऑफ 2014 उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ बट लाइक आई सेड एवरीथिंग आई कांट शो टू ऑल वी हैड लॉस्ट आवर चाइल्ड अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में आई वॉज 5 months प्रेगनेंट एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड एंड आप लोगों को पता होगा मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वुमेन हु लॉस्ट देयर चिल्ड्रेन यू नो कम एंड टॉक क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में तो जब मैंने व्हेन आई लॉस्ट दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर ये उसके बाद की इमेजेस थी आई वॉन्टेड टू गो एंड टॉक टू माई थेरेपिस्ट बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रामा व्हेन अ वुमन गोज टू यू नो व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड इन द मिडल ऑफ इट द हस्बैंड इज बीटिंग यू इज इमोशनली अनअवेलेबल ही वॉज टोटली डिटैच्ड यू नो एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट हालांकि करण ने मुझे रोका था ही नेवर लेट मी गो टू द जिम हर चीज में ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग सो आई वेंट टू द डॉक्टर आई सेड that not because of any reason but because I thought that maybe I needed to counsel and today mental health is given so much importance jo aaj se shayad 5 saal pehle mujhe ye koi question puchta to main bolti ha mujhe bhi nahi pata hai jo ki actually you know 2014 mein hi hua hai and I was detected with a depressive phase of bipolarity theek hai and I took medication for it for about 2 to 3 months and it was fine ye kab ki baat hai 2014 ki uske baad I've got that because मुझे पता था आप लोग ये question पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this is. It just hurts me. नहीं. बाबा भैया भी क्यों बड़ा है stress? Nisha, you stronger than this. Yeah. ये सब गलत है तुझे पता है. My last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child custody and सो करण हैज बीन एक्सट्रीमली इग्नोरेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन आई लॉस्ट अ चाइल्ड अ वुमन नीड्स थेरेपी वुमन नीड्स टू टॉक टू समबडी राइट ही स्टॉप्ड मी आई वांटेड टू वर्क आउट ही स्टॉप्ड मी छोटी छोटी इंसिडेंट्स लाइक आई गॉट हर्ट घर पे अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले एंड आई कैप सेइंग मुझे डॉक्टर के पास जाना है मुझे एक्सरे करना है अब आप लोगों को लगेगा अ स्ट्रॉन्ग गर्ल लाइक यू व्हाई आर यू टेकिंग परमिशन बिकॉज करण हैड ऑल कंट्रोल मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो ही वुड ट्रांसफर इट टू हिज अकाउंट एंड देन ही वुड डू वट एवर ही हैज टू डू वेदर ही वुड पे लोन्स वेदर ही वॉज डूइंग वट एवर अब मेरा तो ट्रस्ट लूज ही हो गया आई डोंट नो नाउ वट इज द रीजन राइट कि वेदर द रीजन वॉज इज गोइंग एंड मीटिंग अनदर पर्सन आई डोंट नो वट इट वॉज सो दीज एंड 2 महीने तक आई लिव्ड इन दैट फ्रैक्चर्ड फिंगर It was a chip of a bone or something, 2 mm bone. And that you can confirm with my doctor, Dr. Ashish Jain, who's an orthopedic. And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that Kavish dealing with all of this? Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's yeah, not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. मतलब करण 14 days करण यहाँ थे काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 video calls किए होंगे वो भी मेरे पूछ पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है ही नोज दैट पापा इज़ हेयर आप उससे बात तो कर लो सो वॉट एल्स कैन आई से अबाउट दिस नहीं
काविश इज परफेक्ट, ही इज फाइन। लास्ट मंथ जब ये बात उठी थी कि रिश्तों में थोड़ा सा कटास आ गया है, तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता। कैसा ना होता कि मेरे मुझे चोट नहीं लगती, वो तो कई बार ही होती थी। देयर इज नो व्हाई एंड देयर इज नो रीजन व्हाट व्हाई आई डिडंट डू इट, बिकॉज़ आई लव्ड हिम, बिकॉज़ आई सॉ ही हैड एन अफेयर एंड आई वाज नॉट रेडी टू लेट गो बिकॉज़ आई लव्ड हिम। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई डोंट गिव अप ऑन पीपल इजीली। Yes, yes, I was, and that's why I went through that depressive phase, is what I'm trying to say. I was, and my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots to matlab usse Rohit hai, Monisha, these are close friends, right? Monisha se I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. Aap logo ke liye ye shocking hai, par mere jo close friends hai, unko pata tha ye ho raha hai. मेरी मम्मी को नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप सोचते हो कि दोस्त तो एक बार समझ जाएंगे, राइट? यस आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई लव्ड हिम। सो देयर इज नो रीज़न कि आपने पहले क्यों नहीं किया और आपने अब क्यों किया है, क्योंकि इट्स टाइम वी आर सेपरेटिंग। अभी तो आप बिल्कुल ही लो पे पहुँच गए हो कि आप सेपरेट होते होते भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। सो आई हैड टू एंड आई हैव काविश इन माई लाइफ नाउ, आई हैव सो मच, आई विल टेक द चाइल्ड कस्टडी। I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है। मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे, राइट, आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन, एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ, एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स, एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड, अ सिंगल पेरेंट, आई विल नीड सम बेसिक सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड, आई कॉन्ट, एंड उसकी लाइफ की हम कितना इको सिस्टम खराब करेंगे, हमारा तो जो भी हो रहा है हो रहा है, correct? So he said, oh, I'm too busy, I will leave them, leave him with my mummy papa, with his grandparents in Delhi. So I don't know ki is pe bar mein hamari kabhi debate nahi hui. And also he said ki alimony ka amount of bahut zyada maang rahe ho, he is earning 1 rupees and you asking for 3 rupees. He is lying. I don't know how else to say this. He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, इफ़ यू वॉन्ट डू दिस यू कैन ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड देन यू टेल मी वट एवर आई एम आस्किंग फॉर इज जस्टिफाइड और नॉट। मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना, आई विल हेल्प यू बिकॉज वी आर एक्टर्स। कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है, पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं, पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार। मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में, निशा ने पूरा सपोर्ट, मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ। इवन अभी जब एक फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए, एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार। और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल, क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन। अच्छा विक्की माई ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई, विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा, मैं तो कोई MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना। All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. But I've never इसने पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा sacrifices कर दिया, and सालों से हमें पता है ये कैसे sacrifice करी है financially. It's not fair, guys. It's not fair. And Rohit is also witness. Rohit, you wanna say something? Rohit is also witness. It's not fair. जो गलत है वो गलत है। No crime, yeah. We all are there with you. See, and they all know what the reality is. I hope is. They do because they are. You know the reality. Rohit, आपने कभी निशा को बोला it's okay, we respect your feelings, you love her, but थोड़ा सा रोहित जी, थोड़ा सा ही आप. निशा सेंटर में आ जाओ. निशा and me are very very close. In fact, मैं निशा को I think 25 साल से जानता हूँ. रोहित, थोड़ा सा मास्क. 25 ईयर से जानता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इनडिफरेंसेस होते हैं,
पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है। यू नो सबके बीच में झगड़े होते हैं। करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है, आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फादर। मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता था कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए हैं। मैंने निशा की जर्नी देखी है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूँ कि मेरी फ्रेंड का केस खराब हो जाए। पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे। कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है, यू नो सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्सेप्टेबल। वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो? वो क्या वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी? कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, जो बिजनेस इसने भी सेट जो सेट किया है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ हम विटनेस हैं। थोड़ा सा यहाँ कैमरे के सामने यहाँ प्लीज आ जाइए। निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आई एम केपेबल इनफ। ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडॉनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है। सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वांटेड फ्रॉम करण मेहरा, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले, दैट इज इट। And I had also told him, जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी, आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी। नो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स। मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू। तो मैंने क्या गलत बोला? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस। अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ। अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी स्टेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है क्या? कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वॉज रिस्किंग इफ शी हैड टू डू दिस ऑन ओन। उसका सर फट सकता था आधे में, शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट। इट्स शी हैज बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल, ओके? जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर, यू नो करण वॉज असिस्टिंग एट अ डिजाइनर जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया। इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना। मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है। इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोज इसने किए, हर करियर वॉज गोइंग। पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले। शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज। आज लड़कियाँ इतनी ओवर एम्बिशियस होती हैं। निशा वॉज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर, यशराज वॉन्टेड टू साइन हर, बट शी लेफ्ट हर करियर फॉर हिम। तो दैट शोज द प्योरिटी ऑफ अ पर्सन, हाउ सिंपल एंड हाउ व्हाट अ हाउस मेकर शी इज। इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबू सिट डाउन टुगेदर, वी आर द आइडियल कपल ऑफ द पीपल, लेट्स क्रिएट कंटेंट्स, मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी। मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ वो। अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह। वो निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन बस। इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज हर क्राइम। नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, नॉट इन, क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है। शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती। आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी, एंड नहीं था ऐसा पहले, ऐसा नहीं था।
2007 में मैं उनसे मिली थी, 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया, उसके पहले भी हुआ था एक आध बार जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया चांटा और मेरा इतना इट्स नॉट अ बेसिक चांटा लाइक मेरा जॉ हिल गया था। ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन फोर बंगलोज, बट आई थॉट यू नो इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते हो तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती तो आई वुड हैव एक्सप्लेन करेक्ट। सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही, दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है, दिस इज़ नॉट दैट। You'll have to cut short because you have to go for your stitches. Yeah, guys. So, so I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Yeah. And do thank you all for coming. Thank you very much. Thank you. Thank you. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।